हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं, आज की ये जो मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरीज की जो सीरीज़ हैं, इसमें मैं आपको वो कहानियाँ बता रहा हूँ जो आपको अपने एल्डर्स से, बूढ़े बुजुर्गों से फिर से जोड़ेंगी। एक कहानी मैं अभी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, पहला वीडियो में आपने देखा है। अब इस दूसरी कहानी पर चलते हैं। ये कहानी एक सिंगल पेरेंट की है। सिंगल पेरेंट यानी एक कपल थे जिसमें उनको बच्चा तो हुआ, लड़का हुआ, लेकिन जो उनकी जो वाइफ थी वो गुजर गई एक्सीडेंट में। अब सिर्फ पिता बाकी रह गए, हस्बैंड जो थे। उन्होंने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करने की इच्छा रखी और वो अपने काम पे जाते थे और उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की, क्योंकि उन्होंने यही सोचा कि जो प्यार मैं अपने बेटे को दे सकता हूँ, शायद दूसरी शादी करने से ना दूसरी जो उनकी वाइफ आएगी वो शायद ना दे पाए, तो इसलिए वो सिंगल ही रहे ज़िंदगी भर। और उन्होंने अपने बेटे को बहुत पढ़ाया लिखाया, इतना ज़्यादा पढ़ाया कि वो डॉक्टर बन गए। अब जब डॉक्टर बन गए, पिताजी बूढ़े हो रहे थे और अकेले थे, कब तक वो घर का सारा कामकाज करते। तो उन्होंने अपने जो बेटे को कहा, जो डॉक्टर बन चुका है, उसे कहा, बेटा अब वक्त आ गया है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। बेटे ने भी कहा, हाँ वक्त तो आ गया है। तो जो पिताजी थे उन्होंने कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए रिश्ता जो है ढूँढूँ? तो बेटे ने कहा, ठीक है आप ढूंढिए। पिताजी ने अपने जो रिलेटिव्स थे, जो उनके रिश्तेदार थे, उनमें ये बात चलाई कि मेरा बेटा जो है अब शादी के योग्य हो गया है, कोई अच्छी लड़की हो तो बताइए। तो एक रिश्ता आया और वो लड़की भी, जो जिसका रिश्ता आया वो लड़की भी डॉक्टर थी। अब यहाँ इनका लड़का डॉक्टर और वहाँ उनकी होने वाली जो बहू है वो भी डॉक्टर, तो सबको जोड़ी अच्छी लगी, पसंद आई और बहुत ही अच्छे से उनका जो विवाह जो था, शादी जो थी, वो संपन्न हुई। 2 साल तो बहुत अच्छे गए। 2 साल में उनको एक लड़का भी हो गया, यानी अब ये जो दादाजी बन गए, जो उसके उस लड़के के पिता थे, डॉक्टर के पिता, और उनको पोता भी मिल गया। और करते करते और 8 साल गुजर गए। अब जो उनका जो पोता है वो 8-9 साल का हो चुका है। अब क्या होता है कि घर में जब पिताजी जो है, अब ये जो मतलब दादाजी जो है, ये बूढ़े हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा इनको खांसी की तकलीफ़ है और भी बीमारियाँ लग चुकी हैं, तो ज़्यादातर वो अपने कमरे में ही रहते हैं, वो अपने बेटा और बहू को डिस्टर्ब नहीं करते। बस एक पोता है, वो तो हर एक दादा की इच्छा होती है कि अपने पोते से कुछ बात करें, खेले, बस उसके साथ वो थोड़ी बातें करते हैं, खेलते हैं, यही उनकी ज़िंदगी है। 1-2 साल और बीत गए। जो उनका पोता था वो 10 साल का हो गया, स्कूल भी जा रहा था। घर में एक पार्टी रखी गई। वो पार्टी रखी थी, यू नो, वो उनकी जो बहू थी, बहू का बर्थडे था, तो जो बेटा था उसने कहा, चलो मैं एक पार्टी देता हूँ। उन्होंने अपने बहुत सारे लोगों को, यू नो, फ्रेंड्स को, सबको इनवाइट किया था। अब ये जो दादाजी थे इसमें, ये अपने कमरे में बैठे थे और बाहर लिविंग रूम में पार्टी चल रही थी। बड़ा अच्छा उनका फ्लैट था। तो अचानक इनको बहुत ज़्यादा खांसी हुई और इनको पानी की ज़रूरत पड़ी। इन्होंने ना चाहते हुए भी, इनकी कोई इच्छा नहीं थी कि वो पार्टी को डिस्टर्ब करे, लेकिन फिर भी वो उठे और उठकर, क्योंकि पानी तो चाहिए, तो वो किचन की तरफ सीधे सीधे जाने लगे और वहाँ से उन्होंने पानी लिया और चुप करके अपने कमरे में आ गए। तो बहू से एकाएक उनकी जो फ्रेंड्स थी उन्होंने पूछा, ये जो बूढ़े बुजुर्ग हैं ये कौन है? तो बहू ने ऐसे ही, यू नो, कह दिया कि ये हमारे घर के सर्वेंट हैं। और आपको पता है ये बात उन्होंने सुन भी ली थी। अब आप सोचिए, जिस पिता ने अपने बेटे को, यू नो, इतना पाल पोस के बड़ा किया, डॉक्टर बनाया, बहू भी लाए डॉक्टर, और अब इतने सालों से, यू नो, दोनों जो है बेटा बहू काम पे जाते हैं, उन्होंने अपने जो पोते हैं उसकी भी परवरिश की, और आज बहू उसके उनको क्या सलाह देती है, लोगों को ये बताती है कि ये हमारे घर के नौकर हैं। तो क्या हुआ, ये बात जो थी, यू नो, उनको बहुत बुरी लगी, और ये जो चीज़ थी उस मतलब उनके बेटे ने भी सुन ली थी। तो पार्टी के बाद बेटे ने, जो उनकी वाइफ जो डॉक्टर थी, यू नो, उनसे बात की कि भाई तुमने मेरे पिता को ऐसा क्यों कहा? तो उनमें झगड़े शुरू हो गए और बहू ने कह दिया कि या तो इस घर में मैं रहूँगी या तुम्हारे पिताजी रहेंगे। तो वो जो डॉक्टर साहब थे वो अपने पिता से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी अब क्योंकि बीवी ने इतना कह दिया है कि ना दोनों में से कोई एक ही रह पाएगा उस घर में, तो उन्होंने
वृद्धाश्रम में एक कमरा बुक किया और अपने पिता को जाके बताया ऐसे ऐसे करके घर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर शिफ्ट हो जाए। अब जो कुछ भी एक मैं आपको क्या बताऊँ, क्या बीतेगा उस बंदे के ऊपर जिसने अपने जिस बच्चे को परवरिश करके बड़ा किया, यही सोचा कि ये बुढ़ापे में मेरी देखभाल करेगा, और वही आकर कहता है कि पिताजी वृद्धाश्रम में आपका कमरा मैंने बुक कर दिया, आप जाइए। बहुत बुरा लगता है। एनीवेज, जो वो दादाजी थे वो उठे, उन्होंने अपना सामान वगैरह जो भी था वो थोड़ा बहुत लिया, और एक कंबल था उनके पास, वो अपने कंधे पर रखा और वहाँ से जाने लगे। जाते जाते वो जो पोता था उनका, वो पोता सामने आया और कहने लगा, आप कहाँ जा रहे हैं दादाजी? तो दादाजी ने कहा, ऐसे ऐसे मैं ज़रा तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ और बहुत जल्द लौट कर आ जाऊँगा। तो फिर उस पोते ने वो जो कंबल था, वो कंबल का एक छोर जो था वो पकड़ लिया और कहा, एक काम कीजिए, मुझे ये आधा कंबल दे कर जाइए, काट कर आधा कंबल दे कर जाइए। तो दादाजी ने पूछा, तुम इस आधे कंबल का क्या करोगे? पहले ये फटा पुराना कंबल है, इस आधे कंबल का क्या करोगे? तब जाकर उनके जो उनका जो पोता था, पोते ने कहा कि दादाजी, आज मेरे माँ बाप आपको निकाल रहे हैं ना, तो जब मैं बड़ा होकर इनको निकालूंगा ना, तो बाकी का आधा कंबल मैं इनको दूंगा, इनको भी तो जरूरत पड़ेगी। ये जो बात पोते ने कही, ये माँ बाप ने भी सुनी, दोनों जो डॉक्टर बेटा और डॉक्टर बहू थे दोनों ने सुना, और उनकी आंखें खुल गई कि एक दिन इनका भी आएगा जब उनका ही बेटा उनको वृद्धाश्रम में ना उनके लिए कमरा बुक करवाएगा। तो जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत कुछ समझते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, और आप अपने बच्चों से अगर ये उम्मीद रखते हो कि वो आपको अच्छे से ट्रीट करें, तो आपको भी वैसा ही ट्रीटमेंट उनको देना चाहिए, और जो आपके पेरेंट्स अगर साथ में रहते हैं तो उनके साथ में भी वही ट्रीटमेंट कीजिए, वरना एक दिन जब आपका बुढ़ापा आएगा तो आपको भी बहुत रोना पड़ेगा। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, इस कहानी को ज़रूर अपने दिमाग में रखिए, और कोई भी व्यवहार जब हम बुज़ुर्गों से करते हैं, 10 बार सोचिए कि आपको उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। थैंक यू।